गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्री एंड ड्रीम्स अगेन। आज मैं यहाँ पे फिर से आया हूँ। मेरा जो मेन फोकस एरिया है एग्रीकल्चर, उसी पे एक वीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो तीन पार्ट में रहेगा, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। ये टोटली बेस्ड ऑन इंट्रीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड होमस्टेड फार्मिंग। तो इस वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि एक हाउस होल्ड का जितना भी उनका रिसोर्सेस है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पार्ट वन वीडियो पे चल जाएंगे। तो पार्ट वन वीडियो में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग न्यू व्यूअर्स है, जो लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को, आगे का इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड होमस्टेड फार्मिंग का पार्ट वन पार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है क्या, या जिसको शॉर्ट फॉर्म पे कहा जाता है IFS। IFS इज बेसिकली एक फार्मर का एक बेनिफिशियरी है, इसका किसी का भी, उनका जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस है और एक्सटर्नल रिसोर्सेस है, उसको एक जगह में इंटीग्रेट करना। बहुत सारा डेफिनेशन होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, बट मेन जो ये फोकस्ड है कि जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का फर्स्ट पॉइंट है। और अगर एग्जांपल हम बताएं कि एक फार्मर है जिसके पास सपोज 0.1 एकड़ होमस्टेड लैंड है, अगर 0.1 एकड़ होमस्टेड लैंड उसके पास है तो वो क्या कर सकते हैं। अगर बैकवर्ड उसका बेसलाइन हम देखें अगर, तो देखेंगे कि वो कुछ हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, कुछ वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, अगर उसका पॉन्ड है तो फिश अनऑर्गेनाइज वे में भी कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज वे में भी कर रहे हैं, बट उनका फुल यूटिलाइज रिसोर्स का नहीं करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो ज़रूरत तो होता है, पहला फर्स्ट थिंग्स होते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के, कि प्लानिंग। आप एक फार्मर के साथ अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की अप्रोच पे जा रहे हो, एज ए प्रोफेशनल, एज ए एग्रीकल्चर प्रोफेशनल आप जा रहे हो, तो उसका मेन जो एम रहेगा कि उस फार्मर का जो रिसोर्सेस है अवेलेबल, उसको कैसे ऑप्टिमम यूज करें, और सेकेंड थिंग है उनका रिसोर्सेस कैसे ईयर राउंड उनका एंगेजमेंट रहे, एंगेजमेंट इन द टर्म्स ऑफ इनकम एनहांसमेंट, ये कैसे रहे। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में तीन चीज मिलती आती है, क्या हो सकता है। एक है इनकम एनहांसमेंट, ऊपर चला जाएगा। दूसरा है सॉइल फर्टिलिटी अच्छा हो, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रोडक्टिविटी हाई हो। ये तीन चार मुद्दे है। तो इंटीग्रेट फार्मिंग करने के लिए एवरीबॉडी इज सेइंग, में बहुत सारे लेक्चर्स पे भी सुना हूँ कि एक पॉन्ड होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि पॉन्ड होना चाहिए, अगर पॉन्ड है तो अच्छा हो सकता है, नेसेसरी नहीं है। तो ये पॉन्ड का नेसेसरीनेस, लाइफ स्टॉक का नेसेसरीनेस, एग्री लैंड का नेसेसरीनेस और होमस्टेड लैंड का नेसेसरीनेस क्या है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। देखिए, अगर आपके पास पॉन्ड है तो पॉन्ड के का जो रिसोर्स होता है वाटर, वो वाटर का भी यूज करते हैं फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि आप पॉन्ड से इनकम ले सकते हो, चाहे वो आप फिशरी करके ले सकते हो, आप डकड़ी करके ले सकते हो। ये दो पार्ट है इंटीग्रेट फार्मिंग का। तो अभी उसको थोड़ा बैक साइड पे रखते हैं, आगे का जो पार्ट्स रहेगा उसमें डिस्कशन करेंगे। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करने से पहले, कोई भी फार्मर शुरू कर रहे और अगर कोई न्यू भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आपको इतना ख्याल होना चाहिए कि मेरा जो
फर्स्ट है फोकस्ड एरिया जो है वो फोकस्ड एरिया होना चाहिए, मैं मुझे फार्मिंग करना है। अगर आप एज ए साइड रोल लेके जा रही हो फार्मिंग को तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग थोड़ा टाइम कंज्यूम्ड है और आपको टेक केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। ये फर्स्ट ईयर होता है। दूसरा है जब हम बेनिफिशियरी सिलेक्शन करते हैं, या खुद मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ही करूँगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो मुझे एक चीज दिमाग में रखना है कि मेरे पास सफिशियंट लैंड है। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो अलग बात है, अगर क्योंकि मैं यहाँ पे होमस्टेड लैंड का ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो होमस्टेड लैंड सफिशियंट है। सफिशियंट मीन्स जहाँ पे आप 2, 3, 4, 5 एक्टिविटी कर सकते हो, ये न्यू बेनिफिशियरीज के लिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी जो जनरली फार्मर्स होते हैं उनके पास होमस्टेड लैंड रहता है तो वो लोग करते रहते हैं, तो उनके लिए भी उतना जगह होना चाहिए कि आप ईयर राउंड एंगेज हो सके उसमें, और आपका उस एंगेजमेंट से आपका जो नीड्स है वो पूरी हो सके। ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, कि आपको अपना जो लैंड है या जो जगह है उसका पोटेंशियलिटी क्या है वो देखना है। तो फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, एक फार्मर, एक्स फार्मर, उनके पास 0.1 एकर लैंड है। वो 0.1 एकर लैंड पे वो फार्मर क्या कर रहे हैं, ना गोट है उसका, तो उसका एक पीग है, 4 डॉग है, और फिश कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन मतलब ओपन मार्केट से फिंगरलिंग्स खरीद लिए और आके छोड़ दिए, वो उसका कोई कुछ प्रियर नहीं, जब जरूरत होता है निकल के वो बेच देते हैं। फॉर से कि 3 महीने में भी बेच सकते हैं, 1 महीने में भी बेच सकते हैं, 2 महीने में भी, 300 ग्राम में भी बेच सकते हैं, 500 ग्राम में भी बेच सकते हैं। ये तो पहले आपको एसेस करना है कि उस फार्मर का क्या है करंट इनकम, वो उनका जो 0.1 एकर लैंड होमस्टेड लैंड है उसमें से वो कितना इनकम अर्न कर लेते हैं साल में। तो अगर किसी फार्मर अनऑर्गेनाइज्ड वे पे करते हैं, उनका एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पे कर रहे हैं वो इनकम, बट इसको अनऑर्गेनाइज्ड वे पे करते हैं जो भी मिल जाए, एक छोटा सा किचन गार्डन बना हुआ है, तो ये तो पहले हमको प्लानिंग करना है, उस लैंड रिसोर्स बेस्ड प्लानिंग करना है। वो प्लानिंग करने के बाद देखा जाएगा कि जैसा मैं पहले कहा कि 1-2 गोट रहेंगे, 1 पीग रहेंगे, तो उसको सस्टेनेबल मॉडल पे लेके आना है। सस्टेनेबल मॉडल मीन्स कि अगर वो 2 गोट कर रहा है, 2 गोट से सपोज वो साल में 5,000 रुपीज या 6,000 रुपीज इनकम कर रहे हैं, तो उसका एक मॉडल क्रिएट करना है वहाँ पे, कि आप अगर गोट कर रहे हो यहाँ पे तो ऐसा एक प्लान होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए जहाँ पे आपको सस्टेनेबल इनकम उस एक्टिविटी से मिले। दूसरा है कि आप पीक कर रहे हो, पीक आपके पास एक है, एक पीक आप फैटनिंग करके बेच देते हो तो साल में आपको 12-13 हजार आप ओपन मार्केट पर बेच देते हो, मिल जाते हैं। ये है तो वहाँ पे क्या हम 1-2 पीक इंट्रोड्यूस करके उसको मॉडल बना सकते हैं। दूसरा है अगर आप हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन ले रहे हो वहाँ पे, तो हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन क्या ले रहे हो, वो सिस्टमेटिक है या कहीं नहीं। हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन माने या ऐसे ही किचन गार्डन बना दिए कि 2 पौधा डाल दिया बैंगन का, 2 पौधा डाल दिया लेडीज फिंगर का, 2 पौधा डाल दिया चिली का, तो उसका उसका डेली शायद नहीं भी निकलेगा क्योंकि उससे इतना निकले। तो उनको हर स्पेसिफिक वाइज, आपके पास अगर 0.1 एकर लैंड है होमस्टेड, तो वो लैंड को कैसे ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। अगर 0.1 एकर में से आप उसका भी हाफ कर लीजिए तो 0.25 एकर लैंड पे आप हॉर्टिकल्चर प्लान कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। आप जा सकते हैं टिम्बर प्लांटेशन के लिए भी जा सकते हैं जो लॉन्ग टर्म आपको एस्पेक्ट में इनकम दे सकते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द पर्टिकुलर फार्मर्स एंड या जो बेनिफिशियरी जाना चाहते हैं क्या इम्पोर्टेंस है और उनका व्यू क्या रहता है, ये हमको समझना है। जब तक ये नहीं समझते तब तक ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं होगा। ये एस्टैब्लिश करने के लिए ये 3 चीज बहुत ध्यान रखना है। एक है कि आप अगर इसमें जा रहे हो तो आपके पास सफिशियंट लैंड होना चाहिए,
दो नंबर है कि आपका वो एम रहना चाहिए कि मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के साथ मैं अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकता हूँ, और तीसरा होना है फोकस्ड होना है और प्लान करना है अपना जो रिसोर्स है। तो ये सारे चीज इंटीग्रेटेड फार्मिंग का शुरुआत है। मैं पहले ही कहा हूँ ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग बहुत बड़ा है, चेन है, इसको हम लोग धीरे धीरे आगे 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 क्लास में, आगे सेशंस में, आगे वीडियोस में हम देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। तो आप देखिए नेक्स्ट एपिसोड को, तो आपको समझ में आएंगे। हर एक एपिसोड पे मैं जाऊंगा जहाँ पे हर एक पार्ट को, फॉर जैसे गोट हो गया, पीग हो गया, पैडी हो गया, फिशरी हो गया, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और प्लानिंग के बारे में डिसाइड करेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही था। आप फ्रेंड्स व्यूअर्स, आप देखिए, अगर आप ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और एक बात बोलता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आगे का वीडियो अगर आप देखेंगे स्किप करके आएंगे तो आपको समझ में थोड़ा मुश्किल होगा। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स व्यूअर्स।